कैसे बंदे को अहंकार हो जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति को अहंकार हो जाता है कि मेरे बराबर कोई बुद्धिमान नहीं है। अहंकार किसी चीज का मतलब है, घमंड कभी मत करो, इससे यथासंभव हो सके दूरी बनाओ, त्याग। एक उदाहरण देना चाहूंगा, महाभारत का प्रसंग आया कि नहीं आया, कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, उतरो। तो अर्जुन उतर गया, पीछे कृष्ण उतर गया, तो जो रथ था ना वो देखते देखते कुछ ही समय में जल के खाक हो गया। और क्यों वो खाक? क्योंकि युद्ध के दौरान उस रथ में अग्नि बाण बहुत लगे थे, अग्नि बाण, लेकिन रथ जला नहीं। और जब कृष्ण अर्जुन नीचे से उतर गए तो उतरते ही खाक हो गया। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा ये क्या है, और कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हें इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने कौरवों को नष्ट करके महाभारत का युद्ध जीत लिया, इसमें लीला कुछ और ही थी। तो अर्जुन ने कहा बताओ महाराज क्या था, तुमको ये घमंड जीवन में कभी मत करना कि महाभारत का युद्ध धनुर्धारी तेरे कारण जीता, नहीं, इस रथ के ऊपर बजरंग बली बैठे थे इसलिए एक भी अग्नि बाण ने किसी काम नहीं किया और अपने उतर के ही ये रथ स्वाहा हो गया। इसलिए जो आपस में जिस किसी प्रकार की अरुणियत किया कि मीरा को जहर पिला दो ताकि ये मर जाए, हमारा नाम बदनाम कर रहे, ये मेरा सुना हुआ है, अभिजित रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब हलाहल जहर का प्याला मीरा को पिलाने लगे घर वाले, तो मीरा को बचाने के लिए भगवान कृष्ण मीरा के शरीर में प्रवेश कर गए और जहर के प्याले को पीकर भगवान कृष्ण ने मीरा को बचा लिया। ये क्या है, ये भक्ति में शक्ति है, भक्ति से अपन को शक्ति मिलती है, धर्म से ताकत मिलता है, धर्म से सदाचार मिलता है, धर्म से बड़ों का सम्मान करने का वो मिलता है, धर्म से मंत्रों की बांध प्रतिष्ठा बढ़ता है। इसलिए मंत्री का नोखंदा दिखाई, आपने जो कार्यक्रम किया हर वर्ष करते हैं और ये स्थान तो इतना प्रसिद्ध है एक तरह से, इसलिए सरकारी गाड़ी में नहीं रखा ना, सरकारी बंगला है, सरकारी सुविधाओं का भी मैं ले लिया और आपको पता है मैंने क्यों दिया है, आप सदा मेरी बात मानते हैं लेकिन अब की बात नहीं मानना, एक भ्रम फैलाया है कि मोदी आ गया तो आरक्षण को खत्म कर देगा। जब आरक्षण खत्म करने की बात आई थी चिट्ठी लिखने की, जब शहीद तो डॉक्टर क्योरीलाल ने बलिदान दिया था ना मंत्री पद के ठोकर मार के आपके साथ आ गया था, तो फिर भी बह गए, मेरे को कान में कुछ मोदी जी कह गए तो फिर तुमने कबाड़ा कर दिया। और 2018 में मोदी जी मीणा का हाईकोर्ट में आए थे तब सारी सीट हरा दी, जब मौका आता है जब गड़बड़ कर देते, कोई बात नहीं, तो समय की बात होती है, मैं उसको बुरा नहीं मानता, राजनीतिक बातें करना भी ठीक नहीं, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम आपका प्रेम बना रहे, आपका प्यार बना रहे, आपकी कृपा मेरे पे बनी रहे और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मेरे को याद किया। आज तीन बड़े कार्यक्रम हैं, ऐसे श्याम की भक्ति की थी, कृष्ण की भक्ति की, वैसा तो उतना तो अपन कर नहीं सकते, वहाँ स्थिति में तो अपन तो पहुँच नहीं सकते,
लेकिन उसके तिलमात्र बराबर भी आप भक्ति का भाव पैदा करोगे तो समाज में पापाचार खत्म हो जाएगा। मीरा ने भगवान की भक्ति जब की थी तो भक्ति में इतनी तल्लीन हुई तो सब कुछ भूल गई थी, खाना पीना सोना कौन है सामने कुछ नहीं, और एक ही चीज ध्यान रहता था कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरा तो कृष्ण बंसी वाला है। सत्संग अपन सुने हैं और इस बात की खुशी है कि हमारे इस इलाके में विभिन्न माध्यमों से, कोई कीर्तन के माध्यम से, कोई ढांचा के नाम माध्यम से, कोई पद के माध्यम से, श्रद्धा के जरिए जो हमारे पूजनीय ग्रंथ हैं, अवतार हैं, देवी देवता हैं, उनका अपनी लोक भाषा में मतलब बड़ा सा बड़ा विद्वान जो भागवत पढ़ने वाला है जैसे वृतांत सुनाते हैं